चलिए खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर पीपाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। ट्रस्ट अध्यक्ष बंशी लाल दया और संघ के सदस्यों के नेतृत्व में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसी के 50 जवानों को भी प्रसादी वितरित की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ता इस सेवा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तब से लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से हमारे अध्यक्ष साहब के आदेश के अनुसार और मैं और सब हमारे कार्यकर्ता है, आरएसएस के कार्यकर्ता है, सब साथ में मिलके ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। रसोई यहाँ शुद्ध रसोई बन रही है, जो हम भी प्रसाद पाते हैं और बाहर भी यहाँ से गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से प्रसाद करने के लिए भेजते हैं। आरएसी के जवान, पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर प्रसाद पाते हैं और बाहर भवन के अंदर उनको उतारा भी दिया गया हुआ है। और ऐसे ऐसे ये सेवा का कार्य कायम के लिए ये चल रहा है और पीपाजी महाराज की दया से ये काम द्वारकाधीश भगवान चला रहे हैं। जब से देश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ है, पीपाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क भोजन बना के दिया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं के द्वारा समदड़ी रेलवे स्टेशन और समदड़ी गांव के अंदर ऐसे निराश्रित और जरूरतमंद लोग जो भोजन बना भी नहीं सकते, उन लोगों को लगातार भोजन के बना के रेडी भोजन दिया जा रहा है। और इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा पीपाजी मंदिर के ट्रस्ट और अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने इस संकट की घड़ी के अंदर